स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये चैप्टर हमें पढ़ना है, काफी आसान चैप्टर है ये। और ये जो पहला टेस्ट होगा आपका, अभी तक जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए थे वो आएंगे और ये वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो है पॉलीगन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है, पॉलीगन किसे कहते हैं। अच्छा, अब देखो पॉलीगन किसे कहते हैं। हमने एक ये कर्व बनाया, ठीक है, और एक कर्व हमने ये बनाया, एक कर्व हमने ऐसे बना दिया, ठीक, एक कर्व हमने ये बना दिया। अब देखो जो ये पहला वाला फिगर है और पहला वाला फिगर और दूसरा वाला फिगर है, ये पॉलीगन है, ठीक है, ये भी पॉलीगन है। पॉलीगन जो होता है वो, पहली बात याद रखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पॉलीगन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। पहली बात तुम ये देखोगे कि वो बंद होगा, ठीक है, और सिंपल होगा मतलब उसमें लाइंस ऐसे कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रही होंगी। ये हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ये अजीब सा है। ऐसे देखो, अगर हम ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दें तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है, ठीक है। पॉलीगन पहली चीज हम याद रखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, और दूसरी बात हम ये याद रखेंगे जो पॉलीगन होगा हमारा वो लाइन से मिलके बना होगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा और सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। देखो पॉलीगन हमारा क्या होगा, पहली बात हमने समझी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, सिंपल होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है, और किससे मिलके बना होगा, लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा, लाइन सेगमेंट से। उसमें कर्व नहीं होंगे, उसमें खाली हमें क्या दिखेंगे, लाइन सेगमेंट से दिखेंगे, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। देखो पॉलीगन को हम जो है कैटेगरी में बांटते हैं उसकी साइड्स के बेसिस पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, पॉलीगन्स को हम उसकी साइड्स के बेसिस पे बांटते हैं। अगर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 3 हैं तो हम उसे ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें साइड कितनी है, 3 है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही क्वाड्रिलेटरल है तो मेन हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना होगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो हम उसे पेंटागन कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स अगर 6 हमें दिख रही है तो उसे हम हेक्सागन कहेंगे, ठीक। नंबर ऑफ साइड 7 अगर हमें दिख रही है तो हम उसे हेप्टागन कहेंगे। 8 साइड्स का फिगर अगर है तो वो ऑक्टागन होगा। 8 साइड्स है अगर तो वो क्या होगा, ऑक्टागन होगा। 9 है तो नोनागन होगा। और 10 साइड्स अगर उसमें है तो वो डेकागन होगा, ठीक है। इतने तरीके के पॉलीगन हमें मिलेंगे नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। अब देखो साइड्स 10 से ज्यादा भी हो सकती हैं, साइड्स तो n हो सकती हैं, ठीक है, 50, 100, पर हमें 10 साइड्स तक की जो है स्टडी करनी है। 10 साइड्स तक के जो पॉलीगन है वो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम एक टर्म यूज करेंगे डायगनल। डायगनल किसे कहते हैं,
डायगनल। देखो कोई भी पॉलीगन अगर हमने बनाया, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हमने अगर बनाया तो पॉलीगन की अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो डायगनल कहलाएगी। ठीक है, जो पॉलीगन की अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी वो डायगनल कहलाएगी। यहाँ पे जो डायगनल हमें दिख रहा है वो AC दिख रहा है और BD दिख रहा है। AC और BD क्या है, ये डायगनल्स। ठीक है, इस तरीके से हम डायगनल को समझ सकते हैं। डायगनल क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसे हम डायगनल कहेंगे। देखो डायगनल की तुम डेफिनेशन लिख सकते हो। डायगनल हमने तुम्हें क्या बताया, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब कोने। ठीक है, वर्टिसेस का मतलब होता है कोने। जो कोई भी फिगर होगा उसके जो अपोजिट एंड को ज्वाइन करेगा, मान लो हमने एक ये फिगर बनाया तो इसके अपोजिट एंड्स को जो ज्वाइन करेगा वो डायगनल कहलाएगा। ठीक है, इसको इसको जोड़ दें, इसको इसको जोड़ दें, ठीक है, ये सब डायगनल होंगे, ये सब डायगनल हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन हम पढ़ेंगे और कॉनकेव पॉलीगन पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है इसका कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर तुम बनाते हो तो उसमें जो इंटीरियर एंगल होगा वो कभी भी 180 से ज्यादा नहीं जाएगा, 180 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 180 जो होगा उससे ज्यादा एंगल तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। ये जो है तुम्हारे किसकी खास बात है, कॉन्वेक्स पॉलीगन की। और इसी के विपरीत अगर जैसे हम एक एरो हेड बनाए, ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला एंगल जो दिख रहा है, ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, तो ये इसमें इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा भी हो सकता है, ये बात याद रखेंगे। अगर एंगल 180 से कम मिल रहे हैं हमें सारे तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, और अगर एक भी एंगल हमें 180 से ज्यादा मिल गया तो वो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, अच्छा एक बात और तुमको कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन की बताते हैं। देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन की एक और बात बताते हैं तुमको हम। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मान लो तुमने कोई कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाया, ठीक है, और एक तरफ तुमने कॉनकेव पॉलीगन बनाया, जो अभी हमने बनाया था वही दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में तुम कभी भी डायगनल ड्रॉ करोगे तो वो अंदर बनेगा। अब जैसे इसमें अगर हम बनाएंगे डायगनल तो ये एक डायगनल है और एक ये डायगनल। भाई डायगनल किसे कहते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा, तो इसमें दोनों जो डायगनल है वो फिगर के अंदर है, जबकि जो कॉनकेव पॉलीगन होगा उसमें कोई डायगनल बाहर भी हो सकता है। देखो इनको इनको ज्वाइन करोगे तो डायगनल बाहर आ गया, तो कॉनकेव के केस में डायगनल आउटसाइड भी हो सकता है। जो डायगनल होगा हमारा वो आउटसाइड भी हो सकता है, और कॉन्वेक्स के केस में डायगनल हमेशा हमें कैसा मिलेगा, इनसाइड मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं। देखो रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन,
ठीक है। देखो रेगुलर पॉलीगन की खास बात क्या होती है, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर, सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर ऐसा कोई फिगर हमें मिल रहा है तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर हमने रेगुलर पॉलीगन के बारे में क्या बताया तुम्हें, रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमने तुमको बताया ऑल साइड्स इक्वल ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। अगर ऑल साइड्स इक्वल मिले, ऑल एंगल्स इक्वल मिले तो वो रेगुलर पॉलीगन है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम समझ रहे हैं कि वो उसको हम क्या कहेंगे, इररेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी पे आते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी अगर पॉलीगन हमने बनाया तो उसके अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, वो एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है। ये वो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी में पता चलेगा। देखो एक फॉर्मूला पॉलीगन के लिए बना दिया गया है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना। कोई भी पॉलीगन अगर है, ये हम पॉलीगन के लिए लिख रहे हैं, और पॉलीगन की साइड्स एन है, पॉलीगन की साइड्स कितनी है, एन है, तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो इक्वल होगा एन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180, ठीक है। अगर कभी भी हम कोई पॉलीगन लेते हैं और उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम हमें निकालना है तो हम n माइनस टू इंटू 180 से निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड कितनी दिख रही है, तो थ्री साइड दिख रही है। अब मान लो तुम्हें इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम पता करना है, वैसे तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, पर बाई चांस हम पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे n की जगह 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल के लिए n 3 होता है, हम इसमें n 3 रख दें, तो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आएगा वो आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 180, और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये 180 हमें मिल जाएगा। तो ट्रायंगल के केस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है, देखो वही आ भी रहा है। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम तुम्हें दे दें एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का में चार साइड है, तो अब अगर हमें फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारा आ जाएगा n माइनस टू इंटू 180, इट मीन्स n माइनस टू 4 माइनस टू इंटू 180, और 4 माइनस टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये आ जाएगा 360। बात भी सही है, कोई भी चार साइड वाला फिगर अगर हम लेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम लेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हम लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के केस में जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। इस पे देखो एक दो क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं, हमने एक फिगर बनाया, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एंगल हमें 50 दिया है, ये एंगल हमें 130 दिया है, ये एंगल हमें 120 दिया है, और ये एंगल हमें x दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है x कितना होगा, तो यहां पे तुम देख रहे हो कि
चार साइड हैं, चार साइड है, इट मींस चारों साइड, चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा। अभी हम लोग ने देखा था क्वाड्रिलेटरल्स का जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, अब अगर हम देखेंगे तो ये x है और ये 250 और 300, इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से तुम फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इन बातों का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। जो फॉर्मूले तुमको हमने बताए इनका यूज करके तुम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज जो है कराएंगे कल। इस वीडियो को अच्छे से देखना और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब